दोस्तों आपको आज बताने जा रहा हूँ कि सीरम ट्राइग्लिसराइड एक तरह का ब्लड में फैट होता है, ये क्यों बढ़ता है। तो आप सब जान लें कि हमारे बॉडी के अंदर कई तरह के फैट होते हैं, कुछ गुड फैट होते हैं, कुछ बैड फैट होते हैं। तो जिसे बोलते हैं लिपिड, तो गुड लिपिड होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि अच्छा होता है, इसके बढ़ने से बॉडी को फ़ायदा होता है और ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमता है उसको गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल बाहर निकाल करके और आर्टरी को और उसको क्लीन रखता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने नहीं देता है। जहाँ तक बैड लिपिड बात करें तो बैड लिपिड सबसे पहले होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, थर्ड होता है ट्राइग्लिसराइड और फोर्थ होता है वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, फिफ्थ होता है नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो पांच तरह के बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। इनमें टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि अगर ये हाई रहते हैं तो हार्ट की नसों में जम जाते हैं, जिससे हार्ट का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, पैर की नसों में जमने से पैर का ब्लड फ्लो कम होता है। इसी तरह से ट्राइग्लिसराइड भी एक तरह का फैट है, लिपिड है, जो कि हाई अगर लगातार रहेगा तो हार्ट की नसों में जम करके हार्ट का ब्लड फ्लो कम करेगा, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी लॉन्ग रन में, पैर के आर्टरी में खून की धमनियों में वहाँ जमा होकर के उसको ब्लॉक कर देगा, जिससे कि आपको पैर के अंदर ब्लड फ्लो कम होगा, पैर में दर्द होगा, ब्रेन के जो ब्लड फ्लो जाती है आर्टरी उसको ब्लॉक करके बाद में फ्यूचर में कुछ सालों बाद आपको ये पैरालिसिस या स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो सीरम ट्राइग्लिसराइड को हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। नॉर्मल सीरम ट्राइग्लिसराइड होता है 150 से कम, अगर 150 से 250 बीच है तो इसका मीडियम हाई है, 250 से 500 है तो मॉडरेट हाई है, और 500 से ऊपर है तो ये बहुत ज़्यादा हाई है। इसके नुकसान क्या होता है हाई होने से, पहला बोला कि ये खून की आर्टरी में या नसों जम के उस ऑर्गन का ब्लड फ्लो कम करता है। सेकेंड होता है अगर कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड मोर देन 500 से 1000 ज़्यादा है तो पैनक्रियाज के अंदर सूजन कर देता है, जिसे बोलते हैं पैनक्रियाटाइटिस। तो अगर किसी का सीरम ट्राइग्लिसराइड मोर देन 500 तो अर्जेंट उसको कंट्रोल करना जरूरी है। अब सीरम ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का कारण क्या है, तो कई कारण होते हैं। सबसे पहला होता है जेनेटिक डिफेक्ट। हमारे इंडियन जो कॉन्टिनेंट है, अधिकांश लोग के अंदर जीन में थोड़ा डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से खाना खाने के बाद जो ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है उसको लीवर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब खाना खाते हैं उसके अंदर जो भी फैट होता है, या तो ट्राइग्लिसराइड होता है या कोलेस्ट्रॉल होता है, ये ब्लड में खाने के बाद तेज़ी से बढ़ता है। जब ब्लड में जाता है तो फिर लीवर के थ्रू पास होता है, ब्लड जब लीवर थ्रू पास होता है तो लीवर ट्राइग्लिसराइड को वहाँ से खींच लेता है और खींच के और स्टूल के थ्रू बाहर निकाल देता है। बट कई लोगों के अंदर, कम से कम 40-50% इंडियन लोगों के अंदर पैदाइशी जीन डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से लीवर के अंदर ट्राइग्लिसराइड एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी मरीज खाता है खाना उसका जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो ब्लड में सर्कुलेट करता रहता है और लॉन्ग रन में नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहला कारण है जीन डिफेक्ट। ये हेरिडिटरी हो सकता है या हेरिडिटरी नहीं भी हो सकता है। सेकेंड होता है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाना। जो लोग खाने में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, आप सब जान लो कार्बोहाइड्रेट फूड क्या होता है, रोटी, चावल, सब्जियों में आलू, मटर, फिर बीन्स के अंदर भी काफ़ी कार्बोहाइड्रेट होता है। जो ये पांच ही ज़्यादा खाते हैं तो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है। और जैसे बोला कि ये इम्पॉर्टेंट कारण, हम इंडियन में दुर्भाग्य क्या है कि इंडिया में हमारा मेन डाइट कम से कम 70-80% लोग, इंडियन लोग कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा खाते हैं, चावल, रोटी, आलू यही खाते हैं, तो उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है।
और दुर्भाग्य का जब भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो एक गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को डाउन कर देता है, जिसकी वजह से जो भी नसों में चर्बी जमती है, जैसे पहले बता चुका कि जो नसों में आर्टरी में चर्बी जमती है उसको गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल वहाँ से बाहर निकाल के आर्टरी को क्लियर करता है। तो अगर आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है और एचडीएल कम है तो आपका आर्टरी को नसों ब्लॉक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल लो रखा है। थर्ड कारण था किसी को हाइपोथायराइड हो, यानी थायराइड ग्लैंड की कमी हो, जिसकी वजह से टीएसए बढ़ जाता है और टी3 टी4 घट जाता है। चौथा कारण था किसी को लीवर की समस्या हो, जब भी लीवर समस्या होती है तो ट्राइग्लिसराइड एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता और ब्लड में इकट्ठा होता रहता है। इस तरह किसी को किडनी की समस्या हो, किडनी समस्या में भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। फिर कुछ दवाएँ आती हैं, लाइक जब वेमेन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल यानी गर्भ निरोधक गोली खाती हैं तो उनका ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। या कुछ दवा होती है स्टेरॉयड लाइक बेटनेसॉल, डेकाड्रॉन, वाइसोलॉन, ओमनाकोटिल, ये सब गोली खाने से ब्लड में ट्राइग्लिसराइड प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये सब कारण होते हैं। इसको टेस्टिंग करने के लिए आप अपना लिपिड प्रोफाइल साले को कराना चाहिए और अगर ट्राइग्लिसराइड हाई है उसकी दवा लेनी चाहिए। इसकी दवा क्या आती है, जब भी अगर ट्राइग्लिसराइड हाई है तो कैसे ठीक करें, तो सबसे पहले तो आप अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट घटा लें। आपका कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट मोर देन 50% नहीं होना चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट कम करके आप अपने डाइट में प्रोटीन बढ़ाएं। प्रोटीन में क्या आएगा आपको, अगर वेजिटेरियन है आप तो आप दाल बढ़ा लें। इसके बाद आप न्यूट्रिला आता है, सोयाबीन की बढ़िया आती है, न्यूट्रिला वो बढ़ा लें। आप क्या नाम कि पनीर बढ़ा लें, फैट फ्री पनीर आता है, या फैट फ्री चीज़ बढ़ा लें, चीला खूब खाएं, सब्जियों में हरी सब्जी खूब खाएं। आप अपने डाइट में जहाँ तक हो सके आप चीनी का मात्रा कम कर लें, तो प्रोटीन बढ़ा लीजिए। इवन गुड फैट जैसे कि आप नट्स होते हैं, बादाम हो गए, अखरोट हो गया, ये भी ले सकते हैं। आप ऑयल लीजिए, ऑयल में सबसे बेस्ट ऑयल होता है इसके लिए ऑलिव ऑयल या सरसों तेल या ग्राउंडनट ऑयल। ये तीनों मुफा ऑयल होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड कम बढ़ाते हैं। तो पहला डाइट में आपने कार्बोहाइड्रेट घटाना है, प्रोटीन बढ़ाना है एंड हेल्दी फैट लेना है आपको। सेकेंड होता है सलाद बढ़ाना है। थर्ड कम से कम 45 मिनट एक्सरसाइज करना है। पांचवा, अगर शराब पीते हैं, शराब भी एक ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का इंपॉर्टेंट कारण होता है, तो अगर शराब पीते तो शराब को स्टॉप करें या बहुत कम करें। फिर होता है कि एक्सरसाइज रेगुलर करने से ट्राइग्लिसराइड की मात्रा घटती है। फिर अगर किसी मोटापा है तो मोटापे के अंदर क्या होता है कि इंसुलिन हार्मोन बढ़ जाता है, जब इंसुलिन हार्मोन बढ़ता है तो ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप एक्सरसाइज करके, डाइट कंट्रोल करके या दवा लेकर के अपना वेट कम करें। फिर दवा की बात करें तो दवा कई दवा थे जो ट्राइग्लिसराइड को कम करती हैं। जैसे एक तो पहला आता है हमारा स्टैटिन्स, रोजवा स्टैटिन, अटारो स्टैटिन, ये दोनों स्टैटिन होती हैं जो स्मॉल डोज लेने से ट्राइग्लिसराइड को कम करती हैं, साथ में बैड कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करती हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं। तो आप स्टैटिन ले सकते हैं। फिर आता फिनोफाइब्रेट नाम गोली आती है, वो भी ले सकते हैं। फिर एक आती है सैरोग्लिटाजॉल नाम की गोली आती है लाइपाग्लिन नाम से, वो भी ट्राइग्लिसराइड को कम करती है। फिर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं। खाने फाइबर खूब लीजिए, सलाद खूब लीजिए, फाइबर लीजिए। इसके बाद अगर आपको कोई और बीमारी, थायराइड बीमारी है या कोई लीवर समस्या, उसको भी ट्रीट करिए। तो अगर आप रेगुलर डाइट प्रॉपर लेंगे, एक्सरसाइज खूब करेंगे, वेट कम करेंगे, तो आपको ट्राइग्लिसराइड कुछ महीनों नॉर्मल आ जाएगा और ये नॉर्मल रहेगा। अधिकांश लोग के अंदर जहाँ कार्बोहाइड्रेट घटाते हैं, एक्सरसाइज बढ़ाते हैं, वेट कम करते हैं, ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम हमेशा के लिए उनका ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल हो जाता है। और फिर एक बार नॉर्मल आने के बाद हर 6 महीने साल भर एक अपना चेक कराते रहें, जिससे कि ये कंट्रोल रह सके कि आपका रिपोर्ट नॉर्मल है। आई होप इस वीडियो से आपको नॉलेज मिला होगा। अगर आपने मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो लाइक करें, आपने अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।